नाजरीन आदाब इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानब से पेश किए जाने वाले प्रोग्राम उर्दू नामा में आप तमाम का खैर मकदम है आ, मैं माजरत खां हूँ कि कुछ तकनीकी दुशवारों की वजह से हम वक्त पर प्रोग्राम शुरू नहीं कर सके आ, प्रोग्राम में आप सब का खैर मकदम है आज के इस खसूस प्रोग्राम में आज हम आपकी मुलाकात असर हाजिर के बेहतरीन नॉबल नगार अफसाना नगार दानश्वर और आ, सिविल सिविल सर्वेंट सैयद मोहम्मद अशरफ साहब से करा रहे हैं अशरफ साहब हमारे अहद में लिविंग लेजेंड की हैसियत अख्तियार कर चुके हैं आपके बाज अफसाने ऐसे हैं जिन्हें जो आपका नामा बन चुके हैं ख़ास तौर से डार से बिछड़े तलाश रंग रायगा बद सभा का इंतजार रोशनी दुआ और ऐसे बहुत सारे अफसाने और फिर आ, आपका नॉवलेट नंबरदार का नीला और 2016 में शायद होने वाला आपका नावल आखिरी सवारियां इस तरह से और भी बहुत सारी तखलीकात हैं आपकी आपने इरफान सिद्दीकी का की कालियात भी मुरतब की है आपकी शख्सियत दरअसल कई जहतों का अहाता करती है आप एक तरफ तो बहुत ही कामयाब सिविल सर्वेंट रहे हैं सिविल सर्विस के हवाले से मैं एक बात आपके गोश गुजार करूँ कि सर ने उन्नीस में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का दिया था और उर्दू मीडियम से उस इम्तिहान में शरीक होने वाले और पहली बार में कामयाब होने वाले आप उम्मीदवार थे और आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिला था उस यूपीएससी पी एस सी के इम्तिहान में। और आ, तवील अर्से तक आपने उसमें खिदमत अंजाम दी और बीए के जमाने से आपने कहानियाँ लिखना शुरू कर दी थी अफसाने लिख रहे थे और उसके बाद से आपके घर का क्योंकि माहौल भी ऐसा था मरहरा शरीफ के मशहूर खान खानक बरकातिया से आपका ताल्लुक है आपके दादा हजरत आवारा उर्दू के कोहनमश पर बेहतरीन अदीब रहे हैं और उनकी सहबत का भी असर था कि कहानियों की तरफ आप हुए और आप ये सफ़र अब तक जारी है आज हम बेहद नसीब हैं कि सैयद मोहम्मद अशरफ साहब हमारे दरमियान हैं एक ऐसी शख्सियत जिसके जिसको न जाने कितने इनाम मिले हैं 2003 में साहित्य अकेडमी का अवार्ड फिर मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान इसके अलावा दोहा कतर का आलमी फरुग उर्दू अदब अवार्ड कथा अवार्ड इस तरह से बहुत भी बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं कई ऐसे रसायल हैं जिन्होंने खसूस नंबर आप पर शाये किए हैं बहुत सारे तालब इलमो ने आप पर एम फिल और पी एच डी की डिग्रियां हासिल की हैं आपके फन पर काम करके तो हम बेहद खुश नसीब हैं बल्कि फिर आपका शेर याद आता है कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो जब उनको ये ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा था हम खुश नसीब हैं कि सैयद मोहम्मद अशरफ साहब जैसी शख्सियत से हमें मुलाकात का भी शर्फ हासिल हुआ आपको देखने का और आपकी तख्लियात से इफादे का मौका हासिल हुआ है आज हम आपसे गुफ्तु करेंगे आपके फन के बारे में कैसे आपने अफसाना निगारी शुरू की नावल की तरफ कैसे आए आपके फ़न के हवाले से भी बहुत सी बातें होंगी और असर हाजिर में उर्दू अफसाने की जो सूरत हाल है उर्दू नावल की जो सूरत हाल है इस पर भी हम आपसे गुफ्तु करेंगे तो सर बेहद शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए आप, आपका आपका बहुत शुक्रिया आपने हुक्म दिया और मैं हाजिर हो गया बहुत शुक्रिया आपका जी आ, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर कि आप अफसाना निगारी की तरफ कैसे रागिब हुए अफसाना लगता है कि मेरे खानदान की रगो और रेशे में पैवस्था मेरे दादा ड्रामे भी लिखते थे और इंशाइया भी लिखते थे और हमारे बुज़ुर्गों में शायद ही कोई ऐसा बुज़ुर्ग हो जो साबी किताब ना हो और बचपन में अपने घर के कुतुब खाने में तिल्सम होशरबा और इसके अलावा जो क्लासिक थे उनका मुताला बहुत छुटपन में किया यानी आप ये ग़ौर फरमाइए कि उस वक्त हम ालिबा छठे सातवें आठवें में होंगे जब ये किताबें हम लोग तकरीबन पढ़ के आ चुके थे हिफ्ज कर चुके थे और इसके अलावा जो माहौल था आ, हमारे कस्बे का वो कस्बाती माहौल भी कहानियों के लिए बहुत साजगार होता है तो और बचपन में घर में रसायल भी खूब आया करते थे और मख्तल रसायल को पढ़ पढ़ के भी शौक़ होता था पढ़ने का तो अपसारा लिखने का जहन जो है वो बचपन में ही बन गया था हालांकि घर का माहौल जो था वो बड़ी हद तक शायराना था और मैं अपने घर के कदीम उर्से नूरी के मुशायरे की निज़ामत तेरह साल की उम्र से मैंने शुरू की थी जो लगातार बीस बरस तक करता रहा मैं और अब उस मुशायरे की सदारत तकरीबन बीस पच्चीस बरस से कर, बीस बाईस बरस से कर रहा हूँ तो शायरी और फ़िक्शन दोनों ही से शनासाई बचपन से थी और शौक़ था पढ़ने का और लिखने का कम शौक़ था लेकिन पढ़ने का बहुत शौक़ था रफ्ता रफ्ता वो पढ़ने वाला शौक़ जो है अपनी जगह कायम रहा लेकिन उसका कुछ हिस्सा लिखने के शौक़ में तब्दील हो गया और यूँ कहानी जो है वो हमारी कहानी मारे से वजूद में आई उन्नीस सौ उनहत्तर में पहली कहानी लिखी जो कहीं ना छपी ना मुझे उसका मसौदा मिलता है लेकिन फिर तीन साल के वक्फे के बाद जब अलीगढ़ आ गए थे तो अलीगढ़ में कहानी लिखी इंसान की वापसी जो अलीगढ़ के आफ्ताब हॉल के मैगजीन में शाये हुई तो ये इब्तदाई मामला थे साहब सर आपने बताया कि इंसान की वापसी पहली कहानी थी जो आफ्ताब हॉल के उसमें रसाले में शाये हुई डार <laughs> से बिछड़े आपने कब लिखा और कैसे लिखा डार से बिछड़े मैंने तब लिखा जब मैं बीए में था और अल्फाज एक रिसाला शाए होता था मरहूम अबूलकाम कासमी उसके एडिटर थे उन्होंने जब कहानी सुनी या पढ़ी आ, मेरे हाथ से लेकर तो उन्होंने कहा कि ये कहानी मैं अगले शुमारे में शाए करूँगा और वो शाइ की और उसके बाद उस कहानी उस कहानी से मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े अदीब जिनके जिनका नाम लेते हुए हम लोग कान पकड़ते थे उन लोगों ने उस कहानी के बारे में अच्छे अलफाज से याद किया अपनी शफकत व बड़पन की वजह से जैसे सदा जाफ़री हैं क़ुरत हैदर हैं चुत हैं और इन्होंने बायदा अपने अपने, अपने इंटरव्यूज़ में या अपनी अपनी किसी तहरीर में उस कहानी का ज़िक्र भी किया और अलफ़ाज के दूसरे शुमारे में तो इतने खतूत आए थे कि जो उसके मालिक हैं अल्फाज के असद यारखाँ वो आज भी उसको याद करते हैं और वो खतूत उनके पास अभी भी महफूज़ हैं अब कैसे लिखी ये तो मैं नहीं जानता Uh, कैसे लिखना तो ये ये इसका तजिया करना मेरे ख़्याल में डॉक्टर साहब बहुत मुश्किल काम होता है कि आदमी ने किसी तकलीफ को किस तरीके से मुकम्मल किया और या उसके उसके लिखने के पीछे क्या मामल थे ये बहुत मुश्किल होता है याद करना और मेरे ख्याल में कोई इसके याद करने की शायद बहुत शरीर ज़रूरत भी नहीं है बस वो एक कहानी होना थी सो हो गई उस वक्त अलबत्त इतना मैं कह सकता हूँ के हमारे ख़ानदान के बहुत से लोग हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे और उन लोगों से हमारा रबता भी था वो लोग हिंदुस्तान को याद करते थे तो उसी उन्हीं यादों के पस मंज़र में और मैं बचपन से ही शिकार का शौकीन था सरमाई करीब से देखा था तो वो सरमाई परिंदों और मुहाजिर इंसानों का की का रब जो था वो एक तमसील की शक्ल में उभरा और डार से बिछड़े वजूद में आ गई बस इतना समझ लीजिए यह अफसाना सर फिक्शन नंबर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का की जो मैगजीन थी अलीगढ़ मैगजीन उसका एक फिक्शन नंबर आया था और मैंने इतफाक से बीए के जमाने में यह अफसाना पढ़ा था और जब से यह अफसाना नक्श है और उसके डार से बिछड़े जो मजमु शायद हुआ उसके फ्लैप पर काजी अब्दुल ने लिखा है कि बड़ा फनकार जानता है कि उससे क्या नहीं लिखना है आपके ज़्यादातर अफसानों में ये खूबी मिलती है कि गैर जरूरी चीज़ें उनमें नहीं मिलती हैं एक एक लफ्स या माहौल जो आप क्रिएट करते हैं तो वो तमाम चीजें किरदारों के साथ पिस्से के साथ चलती हैं तो ये इतनी कम उम्र में आपको ये महारत कैसे हासिल हो गई थी सर गालिबन पढ़ने की वजह से ऐसे लोगों को पढ़ते थे जो इस बात से और इस हुनर से और इस फन से वाकिफ थे क्या लिखना है ये तो बहुत से लोग जानते हैं क्या नहीं लिखना है ये बहुत कम फनकार जानते हैं तो हमने ऐसे फ़नकारों को पढ़ा फ़लत हैदर को पढ़ा काजी अब्दार को पढ़ा और ये दो नाम तो फ़ौर मेरे सामने आ रहे हैं बाकी मेरे लिए मुश्किल है कहना मैं मंटो का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मंटो तो बहुत कुछ लिख देते थे मैं कृष्णचंद का नाम भी नहीं ले सकता वो भी बहुत कुछ लिख देते थे और प्रेमचंद का नाम भी नहीं ले सकता वो भी खासा लिख देते थे आ, कभी कभी वो भी सब लिख देते थे, थे जिसके लिखने की बज़ाहिर कोई ज़रूरत नहीं होती थी तो मुझे दो फनकार ऐसे याद आ रहे हैं कल हैदर और सत्तार जो कम लिखने या ये समझिए कि गैर ज़रूरी चीज़ लिखने के रवादार नहीं थे तो यही वजह होगी गालिबा मेरे दादा खुद ऐसे थे जब वो अपना कोई ड्रामा लिखते थे या इंशा परदाजी करते थे या कोई ऐसी कोई मजमून लिखते थे तो बहुत सी चीज़ें कारी के ज़िम्मे छोड़ देते थे कि आप खुद समझ जाइए इसको और कारी समझ जाता था कारी ना समझ नहीं होता है कारी बहुत समझदार होता है हम लोग अपनी खुशफहमी में ये समझते हैं कि कारी ना समझ है उसको ये भी समझा दो उसको वो भी समझा दो और कई दफ़ा मुझसे भी कई अफसानों में ये गलती हुई है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा लिख दिया उस अफसाने में और उसके ऊपर मुझे अपने मेरे बड़ों ने सरजरिश भी की कि अगर तुम ये ना लिखते तब भी कोई हर्ज नहीं था तो, तो रफ्तार रफ्ता फिर ये जहन की तरबियत हो गई कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है आपके अक्सर अफसानों में ये ख़ूबी मिलती है कि आप जिक्र नहीं करते कि क्या हुआ या कहीं फिर कवाना फसाद के मौजूद पर भी कोई अफसाना लिखते हैं तो वहाँ भी आप जिक्र नहीं करते बस इशारे कर देते हैं और फिर जो है कारी पर छोड़ देते हैं ये चीजें हम लोगों ने महसूस की हैं अच्छा एक और चीज़ के कुरतुल नदर का भी आपने नाम लिया इतफाक से उन्होंने भी आपके अफसानों के हवाले से लिखा था कि एक नई दुनिया जहूर पजीर हुई है और इंसानों की कायाकल्प हो रही है और नए दौर की जब पंचतंत्र लिखी जाएगी तो उसमें सैयद मोहम्मद अशरफ़ के अफसानों का जिक्र जरूर आएगा मुझे लगता है कि इससे बड़े सर्टिफिकेट की हमारे अहद में सबसे बड़ी और बहुत मोहतरम शख्सियत थी फ़िक्शन के हवाले से तो मुझे लगता है बहुत बड़ी सनद है और वाकई आपके अफसानों में ये चीज़ें मिलती हैं कि हमारे अहद की जो भी चीज़ें हैं जो भी इंतशार है या इंसान की जो नाकदरी है हमारी कदरों की जो नाक़दरी है तो वो तमाम चीज़ें आपके अफसानों में मिलती हैं अच्छा बाजा लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं आपके अफसानों पर कि उनमें आपने आपनेट तबके को ही ज्यादा फोकियत दी है इसके बारे में क्या कहेंगे सर ये इल्ज़ाम बस इल्ज़ाम ही की हद तक है जैसे हैदर पर यह इल्ज़ाम लगा था कि वो सिर्फ जो है बड़ों के बारे में लिखती हैं तो जब उनके ऊपर एक सेमिनार हुआ था जाम में तो और उसका उसका जो सेशन था वो मैंने वो उसकी सदारत मेरी ही थी वहाँ पर एक बहुत तवील मजमून मैंने पढ़ा था जिसमें ये साबित किया था कि करतल हैदर ने ज़्यादातर अफसाने और ज़्यादातर नावल जो हैं उनमें जो उनके बेहतरीन किरदार हैं वो गरीबों से ताल्लुक़ रखते हैं मैं याद कर रहा था कि़रतल हैदर पर भी इल्ज़ाम लगा था और वो भी गलत था और मेरी कहानियाँ देखी आप हालांकि ये भी फिरोज साहब अजीब सी बात है इंटरव्यू में आमतौर तो पर आदमी को अपने बारे में बात करनी होती है और जो लोग अपने बारे में बात करने की आदि नहीं है उनके लिए बड़ा तकलीफ अमल होता है लेकिन बहरहाल आप इस तकलीफ मुझे गुजारना चाहती है तो मैं गुजर रहा हूँ मैं याद कर रहा था कि निजात है और दुआ है और डार से बिछले का ही जो साइड हीरो है आप इन सबको ये आखिरी सवारियाँ की जम्मू है नंबरदार के नीला की दो कुम्हार की लड़कियाँ हैं ये सब निचले तबके से ताल्लुक रखते हैं गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं जी 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 चमक है चमक में आप देख लीजिए और अंधा अंधा अच्छा तो तो इंतजार तो के बारे में लिखी यानी उर्दू के बारे में लिखी उसके अलावा तो आप कोई शा, शायद ही कोई कहानी बताएं जो बड़े इंसानों के बारे में लिखी गई हो तो ये है अहवाल और मैंने आपको कहानियों के नाम बता दिए कि जो जिनमें गरीबों का ताल्लुक है ज़्यादा और फिर साहब हमारा तो मसला ही है कि हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा हशर जो है वो मिसकिनों के साथ करे तो उन्हीं मिसकिनों के साथ जिंदगी करने को भी चाहता है और उन्हीं मिसकिनों के साथ कहानी लिखने को भी चाहता है बस यही कहना चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल आपके ख्याल से मुतफ़ हूँ सर कि आपने निचले तबके के लोगों को खास तौर से मौजू बनाया है उनके उनको किरदार के तौर पर जो पेश किया उसमें तमाम तर हमदर्दियाँ आपकी उनके साथ हैं ख़ास तौर से दुआ अफसाना मुझे याद आ रहा है कि वो बच्चा जो है उससे जब कहा जाता है दिन भर मशीन की तरह उससे काम लिया जाता है और घर वाले जब तूफान थमने के लिए उससे दुआ करने के लिए कहते हैं तो वो दुआ करता है दरहम बरहम यानी ये दुनिया जो है वो दरहम बरहम हो जाती है यानी जी या फिर चमक में वो किस तरह से वो पैसा मिलता है तो उस शख्स के वो जो किरदार है उसके चेहरे पर चमक आ जाती है इस तरह के बेशतर अफसाने आपके ऐसे हैं जिसमें आपने निचले तबके के लोगों की जो गुरबत है उनकी जो आर्जुए हैं उन तमाम चीजों को पेश करने की कोशिश की है एक सवाल सर आपके अः के आगाज के जमाने के हवाले से जो मुझे पहले करना चाहिए था आपने जिस दौर में आफ्ताना नगारी का आगाज किया उस वक्त की अदबी फ़जा के बारे में कुछ बताइए कि आप किन लोगों से हुए और उस वक्त की मजमु अदबी फ़जा कैसी थी जिस जमाने में कहानी लिखना शुरू की वो ज़माना अलीगढ़ में हमारा उन्नीस सौ बहत्तर तिहत्तर का जमाना था जब अलीगढ़ में आए थे अलीगढ़ में उस जमाने में बड़े बड़े अदीब मौजूद थे रशीद अहमद सिद्दीकी आल अहमद सरूर काजी अब्दुलस्तार वहीद अख्तर शहर यार और जाहिदा जैदी और साजदा जैदी और मंजूर हाशमी और असद बदायूनी मतलब ये सब साथियों में भी थे इनमें कुछ नाम जो है तो उस वक्त की मजमू फजा ये थी कि किरतिन हैदर और काजिब तो सत्तार का डंका बज रहा था और बाकी कुछ जदीद लिखने वाले भी थे जैसे सुरेंद्र प्रकाश हैं और बल्लाज मन्ना है सुरेंद्र प्रकाश और बल्लाज मन्ना की तरफ निगाह अल्तफात कभी जा नहीं पाई मुझे इसका अफसोस है मुझे अफसोस किया मतलब ये कि मैं इस बात पर आ, इकरार करता हूँ कि उन लोगों की तरफ कभी वहीं निगाह नहीं गई लेकिन काजिरतार थे अक्रतन हैदर थी और उसके कुछ अरसे के बाद नैर मसूद तो इन लोगों को हम लोगों ने शौक़ से पढ़ा और इन लोगों से अपनी अपनी बिसात भर जो है वो मुतासर मुतासर हुए लेकिन कोशिश की कि आप अप, अपना कुछ नया लिखने की कोशिश करें जो इन लोगों से मुख्तलफ हो ख़ास तौर से काजी साहब के उसलूब से बचने की शौरी कोशिश करते थे क्योंकि उनके साथ जिंदा का साथ था अलीगढ़ में और वो उस्ताद भी थे तो जब एक उस्ताद शागिद के साथ मुस्तकिल शफक़त का बर्ताव करता है और शागिद भी अफसाना लिखने वाला हो तो उसको पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने उस्ताद के उसलूब से दूर रहे और अपने उसके उसलूब में खुद लिखने की कोशिश ना करें तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जो उस जमाने के साथी थे मिसाल के तौर पर पैगाम आफा और तारिक छतारी जो अलहमदिल्ला अभी भी तोाना है और इसके अलावा अबन कमल तो ये जितने भी मेरे साथी थे उस जमाने के दोस्त थे अफसानगार थे इन्होंने भी इस बात की शौरी कोशिश की कि काजीब तो सत्तार के, के उसलूब में न लिखें क्योंकि उनके उसलूब में लिखने का मतलब था अपने आप को ज़ख्मी करना और अपने आप को नाकाम करना क्योंकि उनके उसूब की उस तरीक़े की नकल हो नहीं सकती थी जिस तरीके काई साहब लिखते थे तो फिर आपने इंसान को अपनी राह खुद ही निकालनी पड़ी और हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना था कि हर अदीब जो है अपने रास्ते का तन्हा मुसाफिर होता है तो हमने तन्हा मुसाफरी करने की कोशिश की फिरोज साहब जी वाकई सर आपके अफसानों को पढ़ के अंदाज़ा होता है और ये वाकई आ... बहुत कमाल की बात है कि काजी साहब जैसा मौजूद था अलीगढ़ में आपको शागिरदी का शर्फ हासिल हुआ लेकिन आपके अफसानों पर उनके उसलोभ की छाप नहीं नजर आती आपका बिल्कुल अलग उसलोभ है और अहुं, जबान अहुं, के मामले में आपने जिस कदर एहतियात से काम लिया है इश्तारती इस जबान इस्तेमाल की है उसको शानदार जबान आ, सर एक चीज ये पूछना चाह रहा था कि आप किन लोगों से मुतासर हुए एक तो जाहिर है कि काजी साहब उस्ताद भी रहे तो उनका असर रहा होगा और एक चीज जो गैर शौरी तौर पर हम लोग महसूस करते हैं कि आपके अफसानों में जो रीडेबिलिटी की खूबी है काजी साहब के अफसाने भी एक बार शुरू कर दीजिए तो बगैर खत्म कीजिए चाहे ठाकुर द्वारा हो रजोबाजी हो या आ, पीतल का घंटा हो इस तरह से आपके अफसानों में भी वो रीडेबिलिटी जबरदस्त मिलती है कि उनको आदमी एक बार पढ़ना शुरू करे तो खत्म किए बगैर चाह बिल्कुल चैन नहीं आता तो मुझे लगता है कि एक वो चीज तो गैर शौरी तौर पर शायद आप लोगों में आई है कि कहानी जो है उसको कैसे दिलचस्प बनाना है क्या और आपने और किसी का असर भी आप लोगों पर है है आप पर उम्र के इस हिस्से में आकर इस बात का इक़रार करना या इनकार करना कोई बहुत अहमियत नहीं रखता लेकिन मैं अगर पिछले दौर को याद करूं तो मुझे अच्छी तरह से एहसास होता है कि मुझे कुछ लोग बहुत पसंद थे और कुछ लोग नापसंद थे और कुछ लोग सिर्फ कभी कभी पसंद आते थे जैसे मैं आपको उंगली पे गिन के तो नहीं बता सकता लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे गदड़िया एक कहानी थी वो बहुत पसंद थी अशफाक अहमद की वो, वो अब भी जब कभी मुझे वो कहानी मिलती है तो मैं उसको पढ़ता हूँ अहमद नदीम की कास्मी थी एक रईस काशमी की कहानी थी रईस खाना वो अब भी जब कहीं मिलती है मैं उसे पढ़ता हूँ काजी साहब क़ुरतल हैदर नैर मसूद और अब अब आप कहेंगे तो आप आप हंसेंगे इस बात पे कि मैं इन लोगों के साथ किसका नाम जोड़ रहा हूँ मुझे गुलेरी की कहानी भी बहुत अच्छी लगती है उसने कहा था शर्मा गुलेरी जी 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 बहुत शुरू की कहानी है और ये उस जमाने की कहानी है जब हिंदी और उर्दू कहानियों में बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ नहीं होता था तो उनकी कहानी ये भी पसंद है प्रेमचंद की भी कहानी पूछ की एक रात जो है वो बहुत पसंद है तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मुझे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान में जायदा हिना जो है वो भी बड़ी खूबसूरत कहानियाँ लिखती हैं उनकी कहानी भी मुझे पसंद है लेकिन इन नामों का मतलब ये नहीं कि इन नामों से से मरूब मरूफ़ मरूफ थे नहीं, नहीं, नहीं। या इन नामों से इस हद तक मुतासर थे कि उनके उसलूब के का तथ्वो करने की कोशिश करते थे उसलूब का तथ्व किसी का नहीं किया रबीन लेकिन किसी को पसंद करने में कंजूसी से भी काम नहीं लिया पसंद करने में कंजूसी से काम नहीं लिया और आज तक जो कहानियां पसंद थी पहले अगर अब सामने आ जाती है तो फिर पढ़ने को जी चाहता है उन कहानियों को तो मैंने आपके सामने काफी नाम लिए राजेंद्र सिंह बेदी राजेंद्र सिंह बेदी भी उन्हीं अफसारा निगारों में है जिनकी कुछ कहानियां मुझे बहुत पसंद है आपने अशफाक अहमद का भी हवाला दिया आपका जो नावल है शौराफा नावल बेहतरीन नावल जो मुझे भी बेहद पसंद है आखिरी सवार आखिरी सवारियां में रावी ने गडरिया का भी हवाला दिया है चौथी का जोड़ा का भी हवाला दिया है तो आ, मेरे ख्याल से आखिरी सवारियां के हवाले से भी थोड़ी गुफ्तु हो जाए कि इसमें मैंने जब मुताला किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारा जो समाज है हमारी जो समाजी और माशरती अकदार है वो जिस तरह से हम उनसे दूर होते जा रहे हैं उनका जिस तरह से जवाल हुआ है हमारी जो समाजी और मजहबी रवादारी है वो जिस तरह से जवाल पजीर हुई है उर्दू के इस नावल में जिन चीजों से हम महरूम हो गए उन तमाम चीजों को आपने इसमें पेश करने की कोशिश की है आपसे गुजारिश है कि इस नावल के बारे में और हमारे नाजरन को कुछ तफसी से बताएं कि आप किन चीजों को हाई करना चाहते थे असलिमे... इस नावल का उन्मान आखिरी सवारियाँ ही इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस नावल में उन्हीं का जिक्र है जो धीरे धीरे आखिरी सवारियों की शक्ल में हमसे दूर होती जा रही है रुखसत होती जा रही है कहानी की हद तक तो उसमें सिर्फ जम्मू की सवारी जम्मू जो एक लड़की थी जिसके साथ वो छोटा सा बच्चा जो था जिंदगी करता था सिर्फ वही ट्रेन में रुखसत हुई थी शादी के बाद लेकिन उसके अलावा बहुत सी सवारियाँ रुखसत हुई कुछ शौरी तौर से महसूस होती हैं कुछ शौरी तौर से महसूस नहीं होती हैं मिसाल के तौर पर जो है वो आपने देखा कि इत्रदान और गुलदान और ख़ासदान और और इत्र की मुख्तलि अच्छा। अकसाम तो ये असल में ये तमाम चीज़ें थी थीं वहाँ पर इसमें मारफा की तौर पे आ गई लेकिन हकीकत तो ये है कि ये तहजीब केशतारे थे ये हमारी गुजता तहजीब के जो गंगा जनि तहजीब कहलाती है या हिंद आर्याई हिंद मुस्लिम तहजीब कहलाती है ये उसके इस तहारे थे जो धीरे धीरे नुखसत हो रहे हैं ऐसा लगता है आज भी ऐसा लगता है बल्कि आज ज्यादा लगता है ऐसा 2016 के मुकाबले में आज 2022 में और ज्यादा ऐसा लगता है कि रोज कोई ना कोई बड़ा सा परिंदा आता है बाँस की शक्ल में और कोई एक चीज उठा के ले जाता है या कोई दो चीजें उठा के ले जाता है और फिर हम हमेशा के लिए उनसे महरूम हो जाती है अब इसकी तफसील में जाऊंगा तो ये इंटरव्यू जो है अदबी से ज़्यादा सियासी हो जाएगा लेकिन इतना तो आप मेरे ख्याल में इतना कहने से अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि हम बहुत सी चीज़ों से महरूम हो गए हैं या बहुत सी चीज़ों से महरूम कर दिए गए हैं तो उन उन्हीं महरूमियों का जिक्र था उसमें लेकिन एक हल्की सी आस की किरण ये भी थी कि हो सकता है ये सवालियाँ किसी मोड़ से फिर वापस आ जाए जो हमको अच्छी चीज़ें लगती थी जो अच्छी कदरें थी वो चीज़ें तो वापस नहीं आ सकती क्योंकि जमाना बदलता है तो बदल ही जाता है बहुत अच्छी गुफ्तु हो रही है सर के सर के ने बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली किस तरह से हम अपनी जो मजहबी रवादारी थी या जो हमारी मुश्तरक तहजीब थी उससे महरूम हुए हैं आपने बहुत सारे अफसानों में इनका जिक्र किया है आपसे सर एक और बात जाननी है कि मुश्तरक तहजीब जो है वो आपने जैसे सरपंच का कैरेक्टर उसमें पेश किया है कि वो जो है वो तमाम चीज़ें ला के पेश कर रहा है और वो लालटेन भी ला के देता है और बाद में अम्मा बताती हैं कि ये वो लालटेन नहीं है तो अब वो जब जा रहा है वो शख्स तो वो बच्चा देखता है और वो 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 सवारी भी जाते हुए देखता है आ, क्या आपको लगता है कि वो वाकई वो दौर अब वापस नहीं आने वाला वो सवारी आखिरी सवारी थी हाँ वो मेरे ख्याल में वो सवारी भी नुख्सत जिस तरीके से हो रही है जब बच्चा उसको देख रहा है कि उसके उसकी पगड़ी के दोनों शिमले ऐसे हिल रहे हैं जैसे दो शुआएँ लपकती हैं लेकिन वो धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है तो हमको लगता है कि वो सवारी भी अब चली गई तो शायद ही कभी वापस आए दिल से दुआ तो ये निकलती है कि ये सवारियाँ वापस आ जाए लेकिन जो, जो चेहरे पर आँखें लगी हुई हैं ये ये देख रही हैं इस बात को देख रही हैं कि सवारियाँ शायद ही वापस आ सकें आप आखिरी सवार में आपने एक और बहुत शायद नाजुक सी बात महसूस की हो कि जम्मू से कहती है जाओ पड़ोस के घर में तुलसी के पौधे लगे हुए हैं उन्हें जाके पानी दिया हो तो वो जान, वो जाने के लिए बढ़ी है लेकिन रुक गई है तो वो कहती है क्यों नहीं जा रही है, तो वो कुछ बताती है कि मैं इस वजह से नहीं जा सकती तो कहती है छोटी बहन को भेज दो तो कहती है नहीं आज छोटी बहन भी नहीं जा सकती तो इसका मतलब ये कि उनको उन उन उस लड़की में उस छोटी सी गरीब लड़की में भी जो मुश्किल से साल की थी, उसको भी तुलसी के पौधों को वो एहतराम उसी तहजीब का असर था कि वो था कि वो वो था अपने खास उन, उन, उन पौधों को पानी लगाना मुनासिब नहीं समझती और यही तो तहजीब थी जी मैं ये कह रहा था।, था मैं ये अर्ज कर रहा था कि इसी किस्म के इशारों से इस कहानी को बुन इस नावल को बुनने की कोशिश की है और ये नॉवल तकरीबन छह सात सौ सफे का हो जाता लेकिन इसको काट पीट के जो है मैंने कोशिश की है कि ये दो सौ सवा दो सो सफात में आ जाए क्योंकि बहुत तवील जब चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत लाउड हो जाती हैं और बहुत लाउड चीजें जो है वो एक दफा को तो अच्छी लगती है लेकिन तो दोबारा उनको पढ़ने का जी नहीं चाहता बस यही कहना था मुझे बिल्कुल बात वही है कि बड़ा फनकार जानता है कि क्या नहीं लिखना है जी इसी इसी नॉवेल में हमने ये भी देखा के गांव के तमाम लोग जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम तमाम हैं उस बच्चे के वालिद साहब के पास आते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि नमाज इसका पढ़ी जाए और वो बच्चा हाँ। जो है जब नमाज होती है और बारिश नहीं होती है तो वो परेशान हो जाता है कि बारिश नहीं होगी तो क्या होगा लोगों का जो ईमान था कि नमाज के बाद से बारिश हो जाएगी या फिर वो जिस तरह से परिंदे को पानी पिलाने के लिए पाइप में पानी डाल के और उसको रखता है नलके में तो वो जो लतीफ इशारे हैं कि किस तरह से इंसान से मोहब्बत और अल्लाह की तमाम मखलूकत से महब्बत और जो मजहबी रवादारी है उसको कायम रखने की हमारे जो आबादाद थे कोशिश की उसकी तरफ भी आपने बहुत अच्छी तरह इशारा किया है कोशिश तो की आपने वो इशारे पकड़ लिए इससे दिल खुश हो रहा है बस जी शुक्रिया सर आपके अफसानों के हवाले से एक और अहम चीज जो हमें महसूस होती है कि उसमें पिसा है है किरदार उसके साथ साथ जो मनाजिर हैं या फिर जानवर परिंदे वगैरह इस्तेमाल करते हैं का जो जिक्र करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो भी एक बहुत ही पावरफुल किरदार के तौर पर उनमें सामने आते हैं माहौल असल जी असल में कहानी जब लिखने बैठते हैं तो कहानी सिर्फ़ गोश बोश के आदमी की कहानी नहीं होती है बल्कि वो कहानी पूरी दुनिया की कहानी होती है वो दुनिया जिसमें पेड़ भी हैं पौधे भी हैं जानवर भी हैं बादल भी हैं सूरज भी है चांद भी है इन सबको इन जब आप इनको परसीव करते हैं तो इन सबको परसीव करते हैं तो कहानी लिखते हो तो इनको निगेट कैसे कर सकते हैं आप अच्छा ये तो एक बात हुई दूसरी बात यह है कि जानवरों पर जितनी भी कहानियाँ हैं वो दरअसल इंसानों की ही कहानियाँ हैं लेकिन कोशिश ये की गई है कि वो जानवरों के पर्दे में इंसानों की दास्तान को बयान किया जाए और आ, चाहे वो चक्कर हो या डार्स बिछले हो या लकबग्गा सीरीज़ की तीनों कहानियाँ हो या गिद्ध हो ये तमाम या दूसरे दूसरे मोड़ पर हो ये तमाम कहानियाँ वो कहानियाँ हैं जिनमें जानवरों को किरदार बनाया है और जानवरों का किरदार जो है वो दरअसल इंसानों की नुमाइंदगी करता है और जानवरों की कहानियों और जानवरों के और मेरी कहानियों के ताल्लुक से बहुत बहसें हुई हैं लेकिन उन बहसों का नतीजा बिल आखिर ये निकला चाहे काजीबुल्तान ने कहा हो चाहे फ़्रतल हैदर ने कहा हो या नैर मसूद साहब ने कहा हो कि अब ये फिर वही बात आ जाएगी कि अपने मुँह अपने मुँह अपनी बात कहना जो है वो अजीब शायर शाय, शायरी में तो ठीक है लोग ताली कह के इसको माफ़ कर देते हैं लेकिन अफसाने में इसको कैसे माफ़ करेंगे मेरी समझ में नहीं आता बहरा नैय मसूद क़ाई साहब का ये ख्याल था और उन्होंने लिखा भी है कि सैयद मोहम्मद अशरफ की ने जानवरों का जिस तरह से इस्तेमाल किया उस तरह से उर्दू में अभी तक किसी ने जानवरों का इस्तेमाल नहीं किया ये ये उनका उनका कहना था और मेरी भी कोशिश ये होती है कि मैं जानवरों को उस तरह से ना इस्तेमाल करूँ जैसे रफ़ी हुसैन ने इस्तेमाल किया या अबुल फजल सिद्दीकी ने सवाल किया यही दोनों मेजर आदमी नजर आते हैं मुझे जिन्होंने जानवरों के साथ कहानी का रिश्ता उसवार रखा था लेकिन हमारी कहानियां जो हैं इन दोनों के जानवरों के इस्तेमाल से बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां हैं तालिब इल्मी के ज़माने में हम लोगों ने जब लकड़बग्घा सीरीज़ की कहानियाँ पढ़ी थी लकड़बग्घा रोया लकड़बग्घा हंसा और लकड़बग्घा चुप हो गया उस जमाने में बहुत जल्दी बातें समझ में नहीं आती थी अब पढ़ते हैं तो समझ में आती हैं चीज़ें ये ये सर आपको लिखने का ख्याल कैसे आया था क्योंकि हम लोगों ने भी नॉवेल तो कृष्ण चंदर का एक गद्दे की वापसी एक गद्दे की सरगुजा एक गद्दा नेफा में लेकिन अफसानों में हम लोगों ने इससे पहले इस तरह के अफसाने नहीं पढ़े और इनमें आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि इंसानों की ही कहानियां लिखी हैं हमारे माशरे का जो दर्द कर्ब है या इसमें जो मकारी है इंसान की उन तमाम चीजों को आपने उसमें पेश करने की कोशिश की तो ये ख्याल कैसे आया बिल्कुल एक नई चीज थी मुंफरी ख्याल था और लकड़बग्घा का कैरेक्टर आपने पेश किया असल में मैं आपसे फिर एक दफा अर्ज करूँ शुरू में मैंने बताया था आपको हम लोगों को बचपन में शिकार का बहुत शौक था और जब तक शिकार पे पाबंदी नहीं आय हो गई तब तक ये शौक कायम रहा और उसके बाद मैं जानवरों को देखने के लिए अफ्रीका तक गया मैंने वहाँ जाकर जिम्बावे में जानवर देखे और सफारी देखी अफ्रीकन सफारी तो जानवर मैंने बहुत करीब से देखे तो जब उन जानवरों का मताल किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि इंसान की बहुत सी आदतें और बहुत सी और बड़ी हद तक इंसानी सरिश जो है वो जानवरों के पर्दे में बयान की जा सकती है तो कहानी लिखने वाला कभी ये भी तो चाहता है ना कि सिर्फ मौजू नहीं बल्कि वो तकनीक भी नई इस्तेमाल करें ताकि वो जब कारी तक पहुँचे नाजर तक पहुँचे सुनने वाले तक पढ़ने वाले तक पहुँचे तो उसको एक नएपन का एहसास हो और लगे महसूस हो कि इस मौजू पर हम एक नई नए अंदाज़ की तहरीर को पढ़ रहे हैं इसलिए इस शौक़ ने मुझे जानवरों को कहानी में दाखिल करने पर मजबूर किया चाहे वो लकल चाहे वह लकड़बगह हो या हरन हो या शेर हो जैसे मुंशी खां शेर है मुंशी खां एक कहानी उसमें शेर है तो बस मुख्तसर ये कहना चाहता हूँ कि एक तकनीक के अलबेलेपन की वजह से मुझे जानवरों को अपनी कहानी में दाखिल और मैं क्योंकि जानवरों पर कहानी लिखने पर मुझे कुदरत थी इसलिए मैंने उनका इस्तेमाल किया क्योंकि जानवरों को मैंने बहुत करीब से देखा था और बहुत करीब से बरता था उनको इसलिए मैं लिख सकता था उन पर कहानियाँ तो मैंने लिखने की कोशिश की और खुदा का शुक्र है कि से रस्म के हवाले से भी और उर्दू तहजीब का जिस तरह से जवाल हुआ है उस पर भी आपने कई कहानियां तौर से आपका जो अफसाना है बाद का इंतजार उसमें उर्दू की जुबू हाली को मौजू बनाया है और बाद सभा के मंतजर हैं आखिरी सवारियां में भी आपने दिलीप कुमार के हवाले से बहुत जबरदस्त तंज किया है कि उर्दू का प्रोग्राम हो रहा है लेकिन दिलीप कुमार जब तकरीर करने आते हैं तो कहते हैं कि बहुत अफसोस हो रहा है मुझे कहीं उर्दू में साइन बोर्ड या कोई चीज नजर नहीं आ रही है तो वो जो कर्ब है वो उसको आप किस तौर से देखते हैं और क्या आपको लगता है कि उर्दू खत्म हो जाएगी दिलीप कुमार का आपने जिक्र किया उन्होंने ये भी कहा था उस महफिल में उस महफिल की निज़ामत मैं ही कर रहा था नेहरू सेंटर का मुशायरा था वो दिलीप कुमार ने ये कहा था कि जब मैं गाड़ी से उतरा और चलता हुआ आया तो वहां अखबार के कुछ टुकड़े जमीन पर उड़ रहे थे मैंने गौर से देखा वो भी उर्दू में नहीं थी दिलीप कुमार ने ये भी कहा था डॉक्टर साहब मैं आपका सवाल भूल गया दिलीप कुमार के सिलसिले में दिलीप कुमार के चक्कर में हां जी आ, मैं ये कर रहा था सर दिलीप कुमार साहब जब उसमें तकरीर करते हैं नेहरू सेंटर में तो उन्होंने ये कहा कि ये उर्दू का जलसा है लेकिन मुझे कहीं उर्दू में बोर्ड नजर नहीं आ रहा है और हर जगह जो है कहीं भी उर्दू नहीं है दी, दी, दी। नहीं, नहीं ये तो ये तो हकीकत हुई आप इसके पीछे सवाल क्या करना चाह रहे थे बताइए ना मुझे सवाल ये सवाल करना चाह रहा थे? था कि क्या ऐसा लग, हो सकता है कि उर्दू खत्म हो जाए जैसे उस जलसे में या और भी बहुत सारे मुशायरों के जो दावत नामे हैं अब हिंदी में आने लगे हैं लेकिन एक बड़ी तादाद है अभी जो उर्दू रसम को और उर्दू जबान को सीने से लगाए हुई है तो आपको क्या लगता है उर्दू के मुस्तकबिल से के आपका क्या ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी इस अज़ीज़ा के मुस्तकबिल से बिल्कुल ना उम्मीद नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ला ये तो मैं कह सकता हूँ कि इसके रास्ते में दुशवारियाँ तो बहुत हैं और पिछले आठ दस बरस में ये दुशारियाँ और बढ़ी हैं लेकिन उर्दू इतनी सख्त जान है कि किसी न किसी तरीके से अपने आप को कायम किए हुए है कभी जश्न अदब के हवाले से अपने आप अपना चेहरा दिखला देती है कभी रेख्त के हवाले से अपने सरापा का इजहार कर देती है तो उर्दू का उर्दू रस्म ख़त को सीखने के लिए भी बहुत से लोग मतमी हैं आजकल वो लोग जो सिर्फ अंग्रेज़ी और हिंदी जानते हैं मैं ऐसे लोगों से वाकिफ़ हूँ तो उर्दू को सरासर ख़त्म नहीं किया जा सकता ये हमारी तहजीब के रगो रेशे में इस बुरी तरीके से या इस इस अच्छी तरीके से पैबस है कि इसको जुदा नहीं किया जा सकता वो लोग जो उर्दू के हमनवा नहीं है वो भी जब कोई सियासी तकरीर करते हैं तो उर्दू का ही शेर पढ़ते हैं मजबूर है वो उर्दू का शेर पढ़कर ही अपनी बात को सामने ला सकें तो हाँ अलबत्त एक बात एक खुश फहमी में मुबतला किसी को नहीं रहना चाहिए जैसे जाहिल को और ना आप जैसे प्रोफेसर को तो वो ये उर्दू रस्म खत को कायम रखना जो है वो आ, ए, हर कसुर नाकस की बात के बस की बात नहीं है इसके लिए एक तो हमें जो अपनी पुरानी कोशिशें करते थे वो कोशिशें जारी रखनी चाहिए आप क्योंकि आंध्र प्रदेश में इसलिए आपको इतनी दुश्वारी का एहसास नहीं होता होगा उत्तर प्रदेश में और बिहार और जो हिंदुस्तान के आ, उत्तरी हिस्से हैं शुमाली हिस्से हैं वहाँ पे उर्दू का मामला जो है बहुत कमजोर हो गए खासतौर से रस्म ख़त के लिहाज से तो हमारी गुजारिश तो बस यही रहती है हमेशा जहाँ पे भी जाते हैं कभी तकरीर करना हो तब भी यही कहते हैं और डोर टू डोर गुफ्तु करना हो तब भी यही कहते हैं कि अपने घरों में उर्दू को कायम रखने की कोशिश कीजिए मौलवी साहब को रख के पढ़वाइए घर में छोटे छोटे मोहल्ले में छोटे छोटे कम्युनिटी मकतब कायम कीजिए जहाँ पे अपने रस्म ख़त को अपनी उर्दू को अपने उर्दू को, को रस्म ख़त के साथ जिंदा रखने की कोशिश कीजिए गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ते रहिए गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ते रहिए क्योंकि वो एक सिलसिला रुकना नहीं चाहिए एहतजाज की लैद तेज रहनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ हमें वक्त भी नहीं गंवाना चाहिए अपने बच्चों को अब मैं क्या कहूँ मैं पहले ही कहा करता था आज से पच्चीस तीस पैंतीस साल पहले कि माओं को चाहिए कि अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाए वो माएँ खुद उर्दू से नाबलद हुई वो माएँ जो हैं और जो माओं का मतलब है वो खुद तीस पैंतीस बरस की होंगी जो तीस पैंतीस बरस की औरतें हैं वो खुद उर्दू रस्ब खत से जो है वो बड़ी हद तक बेगाना है तो मैं तो दादियों और नानियों से कहूँगा कि दादियों और नानियो अपने अपने पोतों को और अपने नवासों को जो है वो उर्दू रस्ब खत जरूर सिखाइए और ताकीद के साथ सिखाइए कर सकता हूँ तो बहुत शुक्रिया आ, मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी नाजरन सुन रहे हैं या याबा तलबात या सर की बातें सुन रहे हैं वो ये पैगाम लेकर आज इस प्रोग्राम से जाएंगे कि हमें अपनी जबान को और इसके रसम को जिंदा रखना है और इसके लिए जितनी भी कोशिशें हम लोगों को करनी हो करनी चाहिए बल्कि आज मुझे याद आ रहा है कि सर ने अपना जो पहला अफसानी मजमु था डार से बिछड़े अपने बच्चों का नाम उसको किया था और उसमें ये लिखा था कि इस उम्मीद के साथ कि ये बड़े इसी अफसाने कुरान का एक मुझे याद नहीं है अलबत् उसका तर्जुमा मुझे याद है कि कहानियाँ कहते रहो कि लोग कुछ तो सोच विचार करें तो इन कहानियों के जरिए भी आपका मैसेज पहुँच रहा है सर और हम जैसे जो आ, आ, लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू की तालीम और उर्दू ज़बान को फ़र्व दिया जा सके अपने अपने तौर पर हकीक सी जो कोशिशें कर सकते हैं बात की और आगे बढ़ाते हैं सर उर्दू अफसाना नगारी का जो ये दौर है आप लोगों की जो नस्ल है उसमें एक से एक बड़े नाम हमें मिलते हैं बल्कि मुझे लगता है कि जिस तरह से कृष्णचंदर मंटो इसमत आ, और भी बहुत अहमद नदीम कासमी राजेंद्र सिंह बेदी और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे जो तरक्की पसंद तहरीक के बाद उभरे थे उसके बाद फिर जदीदियत और जदीदियत के बाद का जो जमाना आप लोगों का आया आप हैं तारिक सतारी साहब हैं गजनफर साहब हैं सलाम साहब हैं अब एक बड़ी कहकशा है उर्दू अफसाना नगारों की लेकिन आप लोगों की नस्ल के बाद जब हम नजर दौड़ाते हैं उर्दू अफसाने की दुनिया पर तो थोड़ी मायूसी होती है इनमें जो नई नस्ल है उसमें जल्दबाजी है या जिस तरह से जबान, या मौजू पर जो गिरफ्त होनी चाहिए अफसाने को एक अंजाम तक पहुँचाने की जो कोशिश होती थी जो मेहनत होती थी आप लोगों की नस्ल में अब भी है वो चीजें हमें नजर नहीं आती एक बड़े अफसाना निगार के तौर पर कादावर अफसाना नगार के तौर पर आप क्या महसूस करते हैं काजी अब्दुल एक बात कहा करते जब बरसात आती है तो बहुत से अर्ज ज़मीन में अपनी अपनी आवाज़ों में अपना राग गाते हैं लेकिन उन्हीं में कोई एक नाग पैदा होता है वो नाग जो है उसकी उम्र सौ साल की होती है बाकी अर्ज जो है वो बहुत कम वक्त के लिए ज़िंदा रहते हैं तो हमें इस बात से खौफ़जदा नहीं होना चाहिए कि अगर हमारी नई के बहुत से लोग जो है वो ऐसे अफसाने लिख रहे हैं जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन हमारी नई नस्ल के कुछ लोग ऐसे भी ज़रूर होंगे इन शाह अगर अभी सामने नहीं है तो थोड़े दिन के बाद सामने आएंगे जो देर तक कायम रहने वाले अफसाने लिखेंगे एक वजह तो डॉक्टर साहब ये भी है कि हमारे हमारी नई नस्ल में लिखने का तो बहुत शौक़ पैदा हुआ है लिखना क्योंकि उनको लगता है कि लिखने से बहुत जल्दी इज्जत मिलती है और शहरत मिलती है लेकिन जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पढ़ना उस पढ़ने का शौक गालिबन उतना नहीं है उनको सिर्फ पोर्ज की किताबें पढ़कर या सिर्फ निसाब की किताबें पढ़कर वो मुतमिन हो जाते हैं जब तक तो वो क्लासिक नहीं पढ़ेंगे कम से कम नए क्लासिक वो वो नए क्लासिक जब तक तो नहीं पढ़ेंगे तब तो तक उनको ये अंदाजा नहीं होगा कि चीज़ कैसे लिखी जाती थी और अब जो है वो क्या चीज लिखनी है जो कारी के जहन में जो है वो नक्शे कलहज की तरह से सब्त हो जाए मैं उनको मशवरा दे सकता हूँ क्योंकि अब मेरी उम्र जो है वो साठ से ऊपर है और साठ से ऊपर होने के बाद इंसान को यह हक हो जाता है कि वो नसीहत करे मैं उनको ये नसीहत कर सकता हूँ कि वो अगर बहुत पुरानी चीजें ना ना भी पढ़ना चाहें तो कम से कम बाग़ो बाहर पढ़ लें और उसके बाद की चीज़ों में मंटो को पढ़ें असमत चुकाई को पढ़े करतुलाय है को पढ़ें काजी साहब को पढ़ें बहुत नहीं तो उनका एक एक नावल पढ़ें कम से कम शुरू में उसके बाद उनको शौक़ पै, पैदा होगा अहमद नदीम कासमी को पढ़ें नए लोगों में नैयर मसूद को पढ़ें तो ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जबान को किस नज़ाकत के साथ इस्तेमाल किया जाता है और बिल्कुल बर, बिल्कुल मौजूदा ज़माने के लोगों में तारिक सितारी को पढ़ें जबान के जबान की बुनद के अतबार से खालिद जावेद को पढ़ें सिद्ध कलम को पढ़ें तो देखिए मैंने इस बहने आपके आपको कोई नाम भी गिनवा दिए अपने हम असरों के जिनको जिनको मैं कद्र की निगाह से देखता हूँ तो हाँ, अगर खराब होना है तो <laughs> <laughs> अपने, अपने बरअल इतना है कि जकिया मशदी को पढ़े जकिया मशदी को पढ़े वो कैसे खूबसूरती के साथ अपनी कहानियाँ पढ़ती हैं उन्होंने जो माँ कहानी लिखी है उसको पढ़े तो उनको अंदाजा होगा बीड़िए सेकुलर थे ये कहानी पढ़ते देखें तो उनको अंदाजा होगा कि कहानी बुनी कैसे जाती है कहानी ये नहीं कि सिर्फ आपने जो है दो किरदारों का नाम लिया बहुत से डायलॉग लिख दिए एक लाइन में उसके बाद कहानी को किसी भी पे जाके या किसी भी मंजर पर जाके खत्म कर दिया कहानी तो ऐसी होनी चाहिए जो दिल से निकले और दिल में जाके पढ़े तब वो कहानी कहानी होती है वरना वो कहानी जो है वो एक इशाइया और मजमून के दरमियान की कोई शेय होकर इंसानों का वक्त मौलक है और पढ़ने वालों का वक्त खराब करती है और कुछ नहीं करती। सर एक ऐसा सवाल को अपनी तमाम तख्लीक पसंद हैं होती हैं फितरी चीज़ है आ, आपका नावल आखिरी सवारियाँ है नॉवलेट है नंबरदार का नीला अफसाने बहुत अच्छे लिखे आपने दो अफसानी मजमु शाये हुए उनमें से सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है अब आप मुझसे पूछे कि आपको अपने बच्चों में सबसे ज्यादा कौन पसंद है तो मैं कैसे बताऊंगा अगर बताऊंगा भी तो मेरा बच्चा बुरा मान जाएगा दूसरे बच्चे बुरा मान जाएंगे लेकिन मैं फिर भी अगर आप चाहते हैं पूछना तो मैं आपको बता सकता हूँ मुझे अपना सबसे अच्छा अफसाना अच्छा अच्छा अच्छा, मालूम नहीं क्यों मुझे अपना सबसे अच्छा अफसाना रोग लगता है रोग 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 अच्छा अफसाना लगता है जिसमें जिसमें एक नामालूम हाथी का खौफ सब लोगों के सरों पर सवार है तो मुझे वो तकनीक के लिहाज से और अपने मौजू के लिहाज से और मौजू और तकनीक को यकजा करने के एतबार से मुझे वो, वो कहानी बहुत अच्छी लगती है आपने एक नाम पूछा तो मैं मजबूर हो गया कि मैं आपको एक नाम बताऊं और कौन सी कहानी और भी, भी बता दीजिए जैसे सर ये पसंद है दुआ बहुत पसंद है मुझे जी जी दुआ बहुत मुख्तर सी कहानी है लेकिन वो बिल्कुल वैसी है जैसे सतसया के दोहरे ज्यो नावक के तीर देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर।, गंभीर ये बिहारी का दोहा एक है वो छोटी सी कहानी है लेकिन उसमें जो है वो बात बहुत ही नश्तरियत नस्तरियत के साथ कही गई है जो बात कही गई है तो दोहा भी अच्छी कहानी है अब हमसे अब मुझसे मेरी कहानियों का नाम मत लीजिए मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है वो खुदा सर दरअसल आपसे गुफ्तगु का मकसद यह है कि हमारे हमारा जो टारगेट ग्रुप हमारे स्टूडेंट्स हैं दरअसल हमारे इस प्रोग्राम को सुनने वाले देखने वाले तो उनको भी बहुत कुछ सीखने का आपके फन को समझने का मौका मिलेगा एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था सर हमारे पास वक्त अब कम रह गया है कि आप आसानी लिखते कैसे क्या तरीकार अपनाते हैं कोई मौजूद जहन में आया फिर बाद लोग होते हैं कि एक बार में उसको लिख डालते हैं होते हैं कि कई बार में उसकी प्लॉटिंग करते हैं कुछ सोचते हैं मेरे साथ मामला जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ है मैंने सिर्फ दो अपनी जो है वो बहुत रवानी के साथ और एक ही वक्त में मुकम्मल की एक एक कहानी जो मैंने बाबरी मस्जिद की शहादत पे लिखी थी और एक कहानी एक नावल मेरा नंबरदार का नीला नंबरदार का नीला का मामला दिलचस्प है अनवर खां अनवर कमर और साजिद रशीद और सलामजाक और हम एक ही जगह बैठे हुए थे तो हमने कहा कि ऐसा नावल लिखना चाहिए कि थोड़ा सा मैं लिखूँ फिर उसके बाद आप लिखें फिर उसका दरमिया हिस्सा कोई और लिखे फिर साजिद रशीद लिखें और आखिर में सलाम नजाक या अनवर खां उसको अख्तितम तक पहुँचा दें कह लेकिन ये तो बड़ा मज़ेदार चीज़ होगी बहुत मजेदार चीज़ होगी तो तुम लिखो पहला हिस्सा तुम लिख दो तो मैं घर पर गया मैं नौजवान मुंबई में पोस्टेड था मैं घर गया और मैंने बहुत सी चाय और बहुत से बिस्किट अपने सामने मंगवा के रखे और मैंने सोचा देर तक लिखूंगा और मैंने उसको लिखना शुरू किया तो अड़तालीस घंटे में मैंने पूरा खत्म कर दिया <laughs> लिखते रहे और लिखता रहा मुस्तकिल और उसके बाद मैंने एक एक हफ्ते के बाद उनको सुनाया तो सब लोग जो है बहुत खुश हुए मगर कह लगे कि तुमने बेईमानी करी हमारे साथ तुम हम तो कह रहे थे कि थोड़ा हिस्सा तुम लोग अब क्या बताऊ वो सामने आता गया मंजर मंजर पे मंजर मंजर पे मंजर तो मैं लिखता गया और वो इख्त तक पहुँचा दिया तो और इसी तरीके से एक कहानी थी अब देखिए ना मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले साठ साल की उम्र का जिक्र किया था तो साठ साल की उम्र में खासियत यह भी होती है कि आदमी कुछ चीजें भूलने लगता है तो वह भूल भूलते हैं उस कहानी का नाम ऊपर किताब रखी उठाना जरा वो जो कहानी का नाम है वो उसका नाम है आखिरी बनवास आखिरी बनवास बिल्कुल तो आखिरी बनवास भी मैंने ठीक छः छः दिसंबर को लिखी थी ना टू में और बस जैसे वो वाक़ हुआ सरजद तो एक जैसे मुझे मेरे जहन के अंदर एक अजीब और वरीब तकलीफ और गम और अफसोस धुझलाहट और गुस्सा और तयश ये सारी कैफियतें थी लेकिन मैंने इन कैफियतों पर का काबू पाया और मैंने बैठकर एक दो तीन घंटे में एक कहानी मुकम्मल की तो ये कहानी तो वो है जो मैंने फौरी तौर पे लिख दी थी एक कहानी वरना अक्सर ये होता है कि जब किसी अफसाने का ख्याल जहन में आता है तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने अंजाम के साथ आता है बैट, सर माजरत खा हूँ बैटरी आपकी लो हो गई है उसको चार्जिंग में अगर लगवा देंगे तो अच्छा नजीब देखो बैटरी मेरी लो है क्या? लगी है बैटरी नीचे देखो नहीं बैटरी लो नहीं है बैटरी लो नहीं है बैटरी लो नहीं कर रहा था कभी कभी ये भी होता है लिखने की कोशिश करता हूँ मैं उसको महफूज तो कर लेता हूँ किसी जगह दो या तीन सत्रों में लेकिन वे धीरे धीरे सोच के उसके ऊपर लिखने की कोशिश करते है फिर लिखने के बाद भी बहुत दिन तक वो चीज रखी रहती है और जब बहुत दिन के बाद भी पसंद आती रहे तब फिर उसको फिनिश फिनिशिंग टच लगाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 1982 में एक लिखना शुरू किया था मीर मीरमन किस्सा सुनो मीर अम्मन किस्सा सुनो और उसके तकरीबन तीन या चार किस्से जो है जाने कहाँ कहाँ छप चुकी हैं चालीस बरस गुजर गए और आज तक वो नावल पूरा नहीं हुआ तो इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती कोई एक बात नहीं कही जा सकती कुछ नॉवल 24 घंटे में 48 घंटे में पूरे हो गए कुछ कहानियां चार घंटे में पूरी कर ली है और कुछ कहानियां जो है मुस्तकिल लिखी हुई हैं अब तक तो पूरी नहीं हो पा रही एक किस्सा मीरों लिखना शुरू किया था उन्नीस में तो आज तक दो हजार गए तो कोई ही बात नहीं की जा सकती लेकिन जो तरीक़ार है हमारा वो यही है कि अगर कोई जहन में कोई चीज आती है तो उसको लिख लेते हैं थोड़ा सा और उसके बाद गौर करते हैं उसके ऊपर कि इसमें उसको किस तरीके से कारी के सामने कैसे लाएं मौजूद सामने आ गया कारी के सामने किस तरीके से लाए तो फिर वो तकनीक का खेल शुरू हो जाता है और कोशिश करते हैं कि वो एक ऐसी शक्ल में सामने आए जो दिल दिलपजीर भी हो और जिसमें इंसान की दिलचस्पी भी हो मैं उन मैं उन कहानीकारों का और उन तनकीद नगारों का सख्त मुखालिफ हूँ जो ये कहते हैं कि इंसान को इस बात की परवाही करनी चाहिए कि कहानी जो है वो कोई पढ़ता है शौक से नहीं पढ़ता है मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कहानी अगर लिखता हूँ मेहनत से लिखता हूँ दिल लगा के लिखता हूँ पूरे जगह जला के लिखता हूँ तो उस कहानी को लोग शौक से ही पढ़े और मेहनत मोहब्बत के साथ पढ़े मैं मोमेबाजी नहीं कर सकता कहानी के अंदर सिर्फ मोहम्मेबाजी करके जो खुश हो जाए कोई तो मैं उन लोगों का तरफदार नहीं हूँ मैं कहानी को उसी तरीके से लिखता हूँ जिस तरीके से मैं खुद कहानी पढ़ना चाहता हूँ मैं मोहम्मे वाली कहानी पढ़ता भी नहीं हूँ बिल्कुल आपने अपनी कहानियों में जो रंग तलाश करने की कोशिश की है वो रंग रायगा नहीं गया है और एक बड़ी तादाद है आपके मद्दाहों की जो आपके अफसाने बहुत शौक़ से पढ़ते हैं और उन पर गौर करते हैं एक मैसेज उन तक पहुंचता है फन के हवाले से भी फिक्र के हवाले से भी अब आखिरी हिस्से में हम लोग पहुँच चुके हैं सर बस एक सवाल और आपसे कि उर्दू की जो नई नस्ल है या हमारे मुल्क की जो नई नस्ल है उसको आप क्या पैगाम बतौर अफसाना नगार एक नगारेश्वर और एक सिविल सर्वेंट के के हवाले से तौर पर आप क्या पैगाम देना चाहते हैं मैं एक इंसान की हैसियत से उनसे ये कहना चाहता हूँ आपने तो कई हैसियतें बता दी तो मेरे नजदीक सबसे आसान हैसियत जो है वो इंसान वाली है एक इंसान की हैसियत से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जो जिगर का शेर है ना कि उनका जो काम है वो, वो सियासत जाने और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे तो हम जितने भी सुनने वाले हैं और जो इन सुनने वालों के जरिए से सुने इस बात को वो मोहब्बत के पैगाम को आम करें क्योंकि आखिरकार यही शे वो है जिसे बचकर रहना है बाकी तमाम चीजें फना हो जाती हैं सिर्फ नाम खुदा बाकी बचता है और उस उसकी पैदा की हुई मोहब्बत बाकी बचती है इस मोहब्बत को कायम रखें और रवादारी को कायम रखें वजेदारी को कायम रखें क्योंकि बाकी तमाम चीजें जो हैं वो फानी हैं और बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं चाहे वो सियासत हो चाहे डिप्लोमेसी हो चाहे नफरत का बाजार गम करने वाले लोग हों सब खत्म होने वाले लोग बहुत शुक्रिया सर आज आपने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मीडिया सेंटर के खूस उमा के लिए अपना कीमती वक्त निकाला हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं आपने अपने फ़न के हवाले से अफसाने के हवाले से मोहदा दौर की फजा के हवाले से बहुत ही उम्दा गुफ्तु की और बहुत सारे शुक्र शुबहत दूर किए आपके अफसानों को अब नए सिरे से पढ़ने में एक नई दुनिया हमारे सामने आएगी ये हमें उम्मीद है हमारे सामने भी और हमारे जो नाजरीन हैं उनके सामने भी हम खुशकस्मत हैं कि आप जैसे अदीब और दानश्वर हमारे दरम्यान मौजूद हैं इन शसी और प्रोग्राम में हम लोग आपको जहमत देंगे बेहद शुक्रिया सर मुझे ख़ुद भी बहुत खुशी है डॉक्टर साहब और तौर से आप जैसे नौजवानों के साथ बात करके खुद दिल में एक वलवला सा उठता है अल्लाह ताला आप सब लोगों को सलामत रखें और मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी से तो मेरा भी खास तल्ल हमेशा से रहा है अल्लाह ताला उस के फैस को आम रखे और आप सब लोगों को खुशो खुरम रखे खुदाफ़िम खुद वर